हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आम की बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका खट्टा मीठा स्वाद बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे बनाना भी बेहद आसान है। ये सिर्फ घर के ही इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम आम लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर पोंछ दिया था। अब इसे हम कट करेंगे। इसे हमें छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। पहले हम इसका ऊपर का हिस्सा कट करेंगे, जिससे इसका चिप निकल जाए। देखिए, इसे हम थोड़ा गहरा कट करेंगे, जिससे इसका चिप निकल जाए। इसके लिए मैंने दशहरी आम लिया है। आप अचार वाला आम भी ले सकते हैं या फिर तोतापरी आम भी इसके लिए ले सकते हैं। हमें इसमें गुठली का इस्तेमाल नहीं करना है। हम गुठली को निकाल कर बाहर कर देंगे और इस आम के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं। मैं इसे छिलका के सहित ही बनाऊंगी। आप चाहें तो इसका छिलका निकाल भी सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। ऐसे ही हमें सभी आमों के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। देखिए, मैंने सभी को कट कर लिया है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम आधा बाउल पुदीना लेंगे। इससे इसमें एक टैंगी सा स्वाद आ जाता है। अब हम इसमें सारे आम को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी, सिर्फ इसके पिसने लायक थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पीसेस रह गए हैं तो आप इसे दोबारा पीस लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसके लिए मैंने एक कप चीनी ली है। ये बारीक वाली चीनी है। अगर मोटी चीनी हो तो आप उसे पीस लें। अब हम इसमें पिसा हुआ आम डाल देंगे। मैंने इसे अभी गैस पर नहीं चढ़ाया है। अब हम सभी आम के पेस्ट को कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा टेस्टी स्वाद लाने के लिए आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, इसे मैंने भुनकर पीस लिया था, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक लिया है। अगर आपके काला नमक नहीं है तो आप सादे नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चीज़ आम में मिल गई है। अब इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। इसे मैंने हल्की आंच पर चढ़ा दिया है। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। इसे हमें छोड़ना नहीं है, लगातार इसे हमें चलाना है। देखिए, धीरे धीरे चीनी पिघलने लगी है और मिश्रण भी पतला हो गया है। इसे हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। अगर इसमें थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। देखिए, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसे हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। देखिए, ये कढ़ाई छोड़ने लगी है और इसका पानी भी अच्छी तरह से सूख गया है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे तब इसे हमें उतारना है। अब हम एक प्लेट में घी लगा लेंगे। आप चाहे तो ट्रे या कोई भी चीज़ जिसमें आपको इसे डालना है आप उसे ले सकते हैं। अब सारा मिश्रण हम इस प्लेट में डाल देंगे। प्लेट में घी लगाने से ये प्लेट में चिपकता नहीं है और अच्छी तरह से निकल आता है। अब इसे हम चमचे से एक बराबर कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने एक बराबर कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 दिन तक धूप में सूखने देंगे। देखिए, एक बराबर हो गया है। अब हम एक परात लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीब आधा गिलास के करीब। अब इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे। अब इसके ऊपर हम ये आम का मिश्रण रखेंगे। धूप में सुखाने से इसके ऊपर धूल कण ना आ जाए, इसके लिए हम इसके ऊपर जाली रखेंगे और इसे 2 से 3 दिन तक धूप में सूखने देंगे। देखिए, इसे मैंने 3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। ये किनारी से भी निकलने लगा है। अब इसे हम चाकू की मदद से किनारी से निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि अच्छी तरह से नहीं सूखा है तो आप इसे 1 से 2 दिन और सुखा सकते हैं। अब हम प्लेट को पलटकर हल्का सा थपथपा देंगे और प्लेट को हम निकाल लेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और इसका टैंगी स्वाद
बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसे मैं एक बराबर कट कर ले रही हूँ। इसे कट करने के बाद इसका स्वाद दुगना करने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। देखिए इसे मैंने चौकोर चौकोर कट कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पिसा हुआ चीनी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला देंगे। अब हम इसमें मुखास या फिर आप इसे कैंडी भी कह सकते हैं, उसे डाल देंगे। सभी कैंडी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम हिलाकर सभी चीनी और चाट मसाला मिर्चा सब इसमें मिला देंगे। इसे इस कैंडी का स्वाद दुगना हो जाता है। देखिए ये देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।